Assalamualaikum, earlier three. Right now I am telling you the summarized lecture of Urdu unit of 26th of November 2020. So now let's see. Earlier three, आज हमने अपने उर्दू की जमात में ज़बर, ज़े और पेश वाले अल्फाज का आदा किया था. ज़बर, ज़े और पेश के अल्फाज हम पहले भी कर चुके हैं, आज हमने इनका आदा किया था. अच्छा, वो अल्फाज जिनमें वो हरूफ जिनमें ज़बर इस्तेमाल होता है तो उनकी आवाज़ क्या हो जाती है? उनकी आवाज़ होती है आ. वो अल्फाज वो हरूफ जिनमें ज़बर आता है उनकी आवाज़ होती है आ. और वो हरूफ वो अल्फाज जिनमें ज़ेर इस्तेमाल होता है उनकी आवाज़ होती है ई. और वो हरूफ वो अल्फाज जिनमें पेश इस्तेमाल होता है, पेश कैसा होता है? छोटे से वाव की तरह होता है. तो जिनमें पेश आता है, पेश हमेशा अल्फाज या हर्फ के ऊपर इस्तेमाल होता है, ठीक है. और पेश की आवाज़ कैसी होती है? ऊ ऊ. सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तारीख लिखनी है और सी डॉट डब्ल्यू लिखना है, और होमवर्क के लिए आपको लिखना है एच डॉट डब्ल्यू. चलें अब इस वर्कशीट की तरफ चलते हैं. सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास, अल्फाज है दस. तो आप कैसे लिखेंगे? दाल ज़बर द सीन साकिन दस, रे ज़बर र सीन साकिन रस. ज़ेर वाले अल्फाज क्या है हमारे पास? अलिफ ज़ेर ए नून साकिन इन, दाल ज़ेर दे लाम साकिन दिल. अब है हमारे पास पेश वाले अल्फाज, इसमें हमें क्या लिखना है? दाल पेश दू वाव साकिन दो, वाव पेश वो हे साकिन वो. इस तरीके से आपको अर्लियर थ्री क्लास वर्क और होमवर्क में सेम वर्कशीट करनी है. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़.